तो गाइस कैसे हैं, उम्मीद है कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ मूवीज़ और सीरीज़ के अपडेट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो सबसे पहले मैं उन सभी को बता दूं जो लोग कमेंट के जरिए पूछे थे कि हमें सितंबर के मौके पे एमएक्स प्लेयर पे कौन कौन से सीरीज देखने को मिलने वाली है। तो उन सभी को बता दूं कि आपको सितंबर के मौके पे एमएक्स प्लेयर पर दो ही कंटेंट देखने को मिलेगी, जिसमें से फर्स्ट है द रेबल प्रिंसेस, जो एक चाइनीज रोमांटिक ड्रामा टाइप की सीरीज है, और आपको इसकी हिंदी डब एपिसोड है वो सितंबर 6 से देखने को मिलेगी। और इसके बाद सेकेंड नंबर पर है ब्लैक फॉक्स एज ऑफ द निंजा से, जो एक एक्शन फैंटेसी ड्रामा टाइप की चीज मूवी है, और आपको ये मूवी है वो हिंदी डब में सितंबर 16 से देखने को मिलेगी एमएक्स प्लेयर पर। और उसके बाद अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग एनिमे लवर्स हैं और कमेंट करके पूछ रहे थे कि स्पाई एक्स फैमिली हमें हिंदी में देखने को मिलेगी या नहीं। तो उन सभी को बता दो कि मेरे एक सोर्स के मुताबिक इसकी हिंदी डब की कंफर्मेशन है वो हो चुकी है, जिसका मतलब है कि स्पाई एक्स फैमिली आपको हिंदी डब में बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी करंची रोल इंडिया पर। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बारबी को डिजिटली देखना चाहते हैं इंडिया में। तो उन सभी को बता दूं कि मेरे पास बुक मास्टर के स्ट्रीम की तरफ से सितंबर की फर्स्ट हाफ की जो सिलेक्ट है वो निकल के आ चुकी है, बट इस मूवी का नाम मेंशन नहीं है, जिसका मतलब हो सकता है कि आपको ये मूवी है वो सितंबर के सेकेंड हाफ में देखने को मिले वॉट सर्विस पर। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि सितंबर के फर्स्ट हाफ में बुक मशो के स्ट्रीम पर क्या क्या रिलीज होगी, तो इस बारे में आप चाहें तो हमारे वेबसाइट thetrustyworld.com पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो लोग जानना चाहते हैं कि हमें बारबी हिंदी में देखने को मिल सकता है या नहीं, तो उन सभी को बता दूं कि चांसेज हैं अगर जियो सिनेमा पर ये मूवी रिलीज होती है आने वाले 3 या 4 महीने के बाद, तो चांसेस है कि आपको डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाए। ये डिपेंड करता है जियो सिनेमा पर। तो जो भी हो, फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये मूवी वो हिंदी डब में वॉट सर्विस पर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट है, चलिए मिलते हैं इसी तरह के कौन ने वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर।